1947 के स्वतंत्रता दिवस को आने वाले 15 अगस्त 2018 को 71 साल पूरे हो जाएंगे। आज हर कोई आजाद है और इस देश में आजादी के साथ जी रहा है, लेकिन इस स्वतंत्रता के लिए कई महान क्रांतिकारियों ने और कई महान नेताओं ने अपना जीवन समर्पित किया। हम इस बात हुए स्वतंत्रता दिवस पर आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम जिनसे बहुत से भारतीय अपरिचित रह गए। आज हम उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानेंगे। जय हिंद, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं बायोस्कोप। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगुर गांव में एक मराठी परिवार में हुआ था। वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक अनोखे स्थान पर है। उनका नाम विवादों का एक उदाहरण देता है। हालांकि कुछ लोग उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक मानते हैं, अन्य लोग उन्हें सांप्रदायिक, कुटिल और छल करने वाला भी मानते हैं। वीर सावरकर एक महान वक्ता, लेखक, इतिहासकार, कवि, दार्शनिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। वे एक असाधारण हिंदू विद्वान थे। अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दर्शक दीर्घा से केंद्रीय असेंबली में बम फेंक कर धमाका कर दिया। बम इस प्रकार बनाया गया था कि जिससे किसी की जान न जाए। बम के साथ ही लाल पर्चे की प्रतियां भी फेंकी गई, जिसमें बम फेंकने का क्रांतिकारियों का उद्देश्य स्पष्ट किया गया था। दोनों ने बच निकलने का कोई प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि वे अदालत में बयान देकर अपने विचारों से सबको परिचित कराना चाहते थे। साथ ही इस भ्रम को भी समाप्त करना चाहते थे कि काम करके क्रांतिकारी तो बच निकलते हैं, अन्य लोगों को पुलिस सताती है। दोनों गिरफ्तार भी हुए। 6 जुलाई 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अदालत में जो संयुक्त बयान दिया, उसका लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इस मुकदमे में दोनों को आजीवन कारावास की सजा भी हुई। प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी दुर्गा भाभी का पूरा नाम दुर्गावती भौरा था। उनका जन्म 7 अक्टूबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी और भगत सिंह आदि के सहयोगी भगवती चरण भौरा के साथ उनका विवाह हुआ था। शीघ्र ही वे अपने पति के कार्यों में सहयोग देने लगी। उनका घर क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल था। वे सभी का आदर करती, स्नेहपूर्वक उनका सेवा सत्कार करती, इसलिए सभी क्रांतिकारी उन्हें भाभी कहने लगे और यही उनका नाम प्रसिद्ध हो गया। अपने क्रांतिकारी जीवन में दुर्गा भाभी ने खतरा मोल लेकर कई बड़े काम किए। उनमें सबसे बड़ा काम था लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठी भरसाने वाला सांडर्स पर गोली चलाने के बाद भगत सिंह को कोलकाता पहुंचाना। पुलिस भगत सिंह के पीछे पड़ी हुई थी। उन्होंने अपने केश कटवाए, कोट पैंट और हैट पहनकर यूरोपीय बने और दुर्गा भाभी अपने छोटे बच्चे के साथ उनकी पत्नी का रूप धारण करके प्रथम श्रेणी के दर्जे में अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर लाहौर से निकल गई। इतिहास प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती में फांसी के फंदे पर झूल जाने वाले क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खां को इस बात का गर्व था कि अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने वाले वे पहले मुसलमान थे जिन्हें शहीद होने की इज्जत मिली है। अशफाक उल्ला खां का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को शाहजापुर के एक सरकार समर्थक परिवार में हुआ था। उनके परिवार के सभी लोग सरकारी नौकरी में थे, पर अशफाक को विदेशी दास्ता विद्यार्थी जीवन से ही खलती थी। वे देश के लिए कुछ करने को उद्यत थे। बंगाल के क्रांतिकारियों के जीवन का उन पर प्रभाव पड़ा। अब वे क्रांतिकारियों की खोज करने लगे। अपने नगर के रामप्रसाद बिस्मिल को वे पहचानते थे। बिस्मिल ने भी बहुत ठोक बजाकर अशफाक उल्ला खां को अपने दल में शामिल कर लिया। फिर तो इन दोनों की मैत्री इतनी अधिक हो गई कि कट्टर आर्य समाजी और नमाजी अशफाक उल्ला खां एक ही थाली में खाना खाते थे। उनकी गिरफ्तारी काकोरी केस का मुकदमा शुरू होने से 6 महीने बाद एक मुखबिर की कोशिश से हो गई, अतः उन पर पूरक मुकदमा चला। इस बीच अशफाक उल्ला खां पर बड़े दबाव पड़े कि तुमने हिंदू वकालत की तो फांसी पर चढ़ा देंगे, तुम मुसलमान हो सरकारी गवाह बन जाओ। पर देशभक्त तस से मस नहीं हुआ। अंत में 19 दिसंबर 1937 को
फैजाबाद जेल में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। खुदीराम बोस के मन में क्रांतिकारी भावना बचपन से ही आ गई थी। बचपन में खुदीराम को खतरों से खेलने का शौक था और अपनी बहादुरी की वजह से बचपन से ही बहुत लोकप्रिय थे। उनमें बचपन से ही नेतृत्व की भावना आ गई थी, जिससे कई साथी उनकी बातों का अनुकरण करते थे। 1902 में वो आजादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे थे। उस दौरान महर्षि अरविंद और सिस्टर निवेदिता अंग्रेजों के खिलाफ भाषण देने के लिए मेदिनीपुर आए हुए थे। खुदीराम बोस उस वक्त किशोर थे और उत्साह से भरे हुए थे। महर्षि अरविंद के भाषणों से प्रेरित होकर उन्होंने उनके गुप्त योजना सत्र में भी भाग लिया था।